हाय एवरीवन, आज हम टुडे वी आर डिस्कस ऑन स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन। इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि इसके पहले के लेक्चर में क्या था, जीन क्या है, जीन क्या है और उसके कुछ टाइप्स भी थे, जैसे कि जीन के पोजीशन के बेसिस पे, जीन कहाँ पर पाया जा रहा है उस बेसिस पे जीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, टू। कितने टाइप्स में? टू। तो जो टू टाइप्स थे वो क्या था, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा था जीनोम और सेकंड क्या था, प्लाज्मोन। फर्स्ट क्या था, जीनोम और सेकंड क्या था, प्लाज्मोन। जो जीनोम होता है वो कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं उनको जीनोम कहते हैं। और जो कहाँ पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म में, जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो जीन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको प्लाज्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोन। तो ये जो प्लाज्मोन है, मतलब कि जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में पता है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के नेम के बेसिस पर उस जीन को नाम देंगे। अगर वो क्लोरोप्लास्ट में होगा तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पर ही उसको नाम देंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियन जीन। और अगर क्लोरोप्लास्ट में होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लास्टो जीन। तो ये तो रहा कि उसके उसके पोजीशन के बेसिस पर जीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं पोजीशन के बेसिस पे जीन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ जीन क्या है, टाइप्स ऑफ जीन। तो जीन के टाइप्स दो बेसिस बनाते हैं। फर्स्ट बेसिस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पे अगर हम देखें जीन की पोजीशन के बेसिस पे देखें तो जीन कितने टाइप्स के होंगे। तो अगर हम जीन के पोजीशन के बेसिस पे देखते हैं तो जीन कितने टाइप्स के होंगे, तो देखते हैं। अगर हम उस बेसिस पे देखेंगे तो जीन दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट क्या होगा, जीनोम। क्या होगा? जीनोम। और सेकंड क्या होगा, प्लाज्मोन। जो जीनोम होगा वो कहां पाया जाएगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और जो आपका प्लाज्मोन होगा वो कहां पर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। कहां? साइटोप्लाज्म। ये सेल में क्रोमोसोम में पाया जाता है, और क्रोमोसोम कहां पर होता है, न्यूक्लियस में। कहां पर होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। वहीं पर क्या पाया जाता है, जीन। और उसी जीन को, उस टाइप की जीन को, जो जीन कहां पाया जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर, या फिर कहिए क्रोमोसोम पे जो जीन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जीनोम। और जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनको प्लाज्मोन। ये तो रहा कि जीन के पोजीशन के बेसिस पे जीन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप्स के भी जीन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल टाइप्स के जीन होते हैं, तो देखते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन। स्पेशल टाइप्स के जीन कौन से होते हैं, देखते हैं। तो स्पेशल टाइप्स को जो जीन होता है वो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, क्या होता है, ओपेरॉन। क्या होता है, ओपेरॉन। ओपेरॉन जीन जो होता है वो क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ जीन होता है। ओपेरॉन में जो होता है वो क्या, ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन इज द ग्रुप ऑफ जीन। जो ओपेरॉन होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन होता है। उसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ उसमें से क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फंक्शनल जीन होते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सॉरी, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होता है और कुछ क्या होता है, कंट्रोल जीन होते हैं, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। और जो कंट्रोलर जीन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को और एंजाइम की सिंथेसिस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो देखते हैं, ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन। क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच सम स्ट्रक्चरल, सम स्ट्रक्चरल एंड सम कंट्रोलर
क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कंट्रोलर जीन होते हैं। और क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एंजाइम। प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं, और जो कंट्रोलर जीन एज कंट्रोल ऑन इट, और उसे क्या करते हैं, कंट्रोलर जीन क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो ऑपरान में स्ट्रक्चरल जीन होता है उसकी, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करता है। और क्या बनाता है, प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। पर जो कंट्रोलर जीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके साथ रहते हैं और उसकी सिंथेसिस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कम हो रहा है तो ज्यादा बनवाने की कोशिश करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे कि कैसे मैनेज हो। तो क्या करते हैं, वहीं पर कंट्रोलर जीन भी प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये हो गए कंट्रोलर जीन, और क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस करता है, और कंट्रोलर जीन रह के उसी के साथ क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये तो हो गया ओपेरॉन। अब देखते हैं कि ओपेरॉन के साथ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेकंड क्या है, मल्टीपल जीन। अब मल्टीपल जीन क्या होता है, देखते हैं मल्टीपल जीन क्या है। जब एक मल्टीपल जीन वो होते हैं जब एक ही करेक्टर को एक से ज्यादा जीन क्या करे, उसको परफॉर्म करते हैं। ऐसा कहिए कि व्हेन, देखते हैं क्या होते हैं, व्हेन मोर देन टू जीन गवर्न्स अ सिंगल सिंगल करैक्टर एंड लाइज सेम लोकस, सेम लोकस ऑन क्रोमोजोम, देन कॉल्ड मल्टीपल जीन। क्या कहते हैं, मल्टीपल जीन। मल्टीपल जीन क्या होते हैं, वो जीन जो क्या करते हैं, व्हेन मोर देन टू जीन, जब एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम के एक ही लोकस पे क्या पाए जाते हैं, दो। व्हेन मोर देन टू जीन गवर्न अ सिंगल करेक्टर, एक ही करेक्टर को, मान लीजिए कोई करेक्टर है, कोई क्या है, करेक्टर है, तो वो क्या करे, एक ही जीन, एक, आपको पता है कि नॉर्मली जो है एक करेक्टर को एक ही जीन क्या करता है, उसको गवर्न करता है। मतलब कि मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर उसमें क्या है, उसका जो उसकी वो प्लांट क्या हो, बहुत टॉल हो, क्या हो, बहुत टॉल हो, जो टॉल करेक्टर को गवर्न करने वाला जीन है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो टॉल करेक्टर को, मतलब उसके बड़ेपन को ले जा रहा है, टॉलनेस को ले जा रहा है, वो एक ही जीन गवर्न करे। कभी कभी ऐसा हो कि
दो जीन आ जाए और दोनों ही जीन क्या करें उसकी डॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको पता है कि जीन क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक करेक्टर है, एक जीन इनहेरिट कर रहा है, कभी ऐसा हो समटाइम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही करेक्टर को क्या करे, दो जीन गवर्न करे, मतलब दो जीन हो पर दोनों के करेक्टर जो है वो अलग अलग ना हो, सेम हो। तो उस टाइप के जीन को क्या कहा जाएगा, मल्टीपल जीन। उस टाइप को क्या कहेंगे, मल्टीपल जीन। ऐसे जीन को क्या कहा जाता है, मल्टीपल जीन। इसलिए क्या लिखा जा रहा है, व्हेन मोर देन टू जीन गवर्न अ सिंगल करेक्टर एंड लाइज ऑन सेम लोकस, क्रोमोजोम के सेम लोकस पे पाए जाते हैं, जहां पर जीन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकस। तो क्रोमोजोम के सेम लोकस पे पाए जाए, मतलब एक ही क्रोमोजोम पर दो जीन पाए जाए, देन कॉल्ड मल्टीपल जीन। उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल जीन कहते हैं। आगे चल के देखते हैं तो क्या है हमारा थर्ड, क्या है, पेलियो ट्रॉपिक जीन। पेलियो ट्रॉपिक जीन, पेलियो ट्रॉपिक जीन क्या होते हैं, देखते हैं। ये जो पेलियो ट्रॉपिक जीन है वो क्या होते हैं, व्हेन ये जो है मल्टीपल जीन का जस्ट अपोजिट है, वहां पर दो जीन थे, एक करेक्टर को गवर्न कर रहे थे, यहाँ पर एक जीन होंगे, वहां पर दो जीन थे, एक ही करेक्टर को गवर्न कर रहे थे, यहाँ पर एक जीन होंगे और वो क्या करेंगे, दो करेक्टर को गवर्न करेंगे। तो देखते हैं, व्हेन ए सिंगल जीन, वहां पर कितने थे, दो से ज्यादा थे, क्या थे, दो से ज्यादा जीन थे, पर यहाँ पर क्या है, एक सिंगल जीन होगा। व्हेन ए सिंगल जीन गवर्न पहले सिंगल जीन गवर्न मोर देन वन फीचर, अगर वो एक ही जीन, आपको पता है कि एक जीन क्या करता है, एक ही फीचर को शो करता है। तो आपने पढ़ा कि दो जीन थे लेकिन वो दोनों जीन क्या कर रहे हैं, सेम फीचर को, दो अलग अलग जीन है पर वो फीचर सुन के कैसे शो कर रहे हैं, वो किस करेक्टर को शो कर रहे हैं, सेम करेक्टर को शो कर रहे हैं। तो उस टाइप के जीन को आप क्या कहेंगे, मल्टीपल जीन। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हेन ए सिंगल जीन, आपको पता है कि एक जीन एक ही करेक्टर को, एक ही फीचर को क्या करता है, गवर्न करता है, पर यहाँ पर एक ही जीन क्या कर रहा है, दो करेक्टर को गवर्न कर रहा है, दो फीचर्स को गवर्न कर रहा है। तो इसलिए इस टाइप के जीन को क्या कहा जाएगा, देन कॉल्ड पैलियो ट्रॉपिक जीन। क्या कहेंगे, पैलियो ट्रॉपिक जीन। ऐसे जीन को क्या कहेंगे, पैलियो ट्रॉपिक जीन। क्या कहेंगे, पैलियो ट्रॉपिक जीन। यहां पर हो गया पैलियो ट्रॉपिक जीन। देखिए, पैलियोट्रॉपिक और मल्टीपल जीन जो है वो दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है। देखिए, अगर क्या हो, टू जीन हो, दो जीन हो, दो अलग अलग जीन हो, और क्या करें, ऐसा कह लीजिए कि टू डिफरेंट जीन, टू डिफरेंट जीन क्या करें, गवर्न सेम करेक्टर, एक ही करेक्टर को शो करें, गवर्न कर लीजिए या फिर शो, एक ही करेक्टर को, सेम करेक्टर को शो करें, सेम करेक्टर को दिखाए, मतलब कि जो एक जीन दिखा रहा है वही दूसरा जीन भी दिखा रहा है। तो इस टाइप को क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो ऐसे जीन को क्या कहा जाएगा, मल्टीपल जीन। क्या कहेंगे, मल्टीपल जीन। पर वहीं पर अगर देखा जाए पैलियोट्रॉपिक जीन क्या हो जाएगा, वन जीन, एक जीन होगा पर वो क्या करेगा, टू दो कह लीजिए या फिर मोर देन
important feature govern, एक से ज्यादा फीचर को क्या करेगा, गवर्न करेगा या फिर कह लीजिए शो करे, जो एक से ज्यादा फीचर को शो करे या फिर गवर्न करे, ऐसे टाइप को, ऐसे टाइप्स ऑफ जीन को क्या कहा जाता है, ऐसे जीन को क्या कहा जाता है, पैलियोट्रॉपी, क्या कहा जाएगा, पैलियोट्रॉपिक जीन, क्या कहेंगे, पैलियोट्रॉपिक जीन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, स्प्लिट जीन, क्या है स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन क्या है देखते हैं, कभी कभी क्या होता है प्रोकैरियोटिक, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है हैज ओनली एक्सॉन, क्या होता है ओनली एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन होता है वो क्या करता है, ये जो है एक्सॉन जो क्या है, ये जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। तो आपको पता है कि जीन जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं, तो क्या होता है ओनली एक्सॉन, उसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के डीएनए में कौन सा जीन होता है, सिर्फ एक्सॉन टाइप का जीन होता है, पर वाइल्ड, लेकिन वाइल्ड इन यूकैरियोटिक में क्या होता है, व्हाइल इन यूकैरियोटिक सम, और ये क्या होते हैं फंक्शनल होते हैं, सम नॉन फंक्शनल, और कुछ नॉन फंक्शनल भी होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होते हैं कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं, पोर्शन होता है जो एक्सॉन का नॉन फंक्शनल पोर्शन होता है, ऑकर्स बिटवीन, कहाँ पर पाया जाता है, ऑकर्स बिटवीन एक्सॉन, एक्सॉन के बीच में पाया जाता है, कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, कॉल्ड इंट्रॉन, इंट्रॉन क्या कहते हैं इसको, इंट्रॉन, इंट्रॉन क्या कहते हैं इसको, इंट्रॉन, जो एक एक्सॉन के बीच में, जो एक्सॉन के बीच में पोर्शन पाया जाता है डीएनए का, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, जीन का पोर्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रॉन करते हैं, इन सो इन यूकैरियोटिक, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें जो जीन होगा वो कैसे कार्य करेगा, सो इन यूकैरियोटिक एट द टाइम ऑफ, और जब आपको पता है कि ये जो एग्जॉन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में एग्जॉन जो है वो क्या है, डीएनए का एक पोर्शन है जो किसमें मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और आपको पता है कि यूकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिर्फ एग्जॉन होता है, पर जो यूकैरियोट्स होते हैं एग्जॉन के साथ साथ, मतलब कि जब जो प्रोटीन एक्सॉन वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, फंक्शनल होगा, पर इसी के साथ कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इंट्रॉन कहा जाता है, और ये इंट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। तो आप सोचिए कि जब इंट्रॉन जो है वो नॉन फंक्शनल पार्ट होगा, तो सो इन यूकैरियोटिक एट द टाइम ऑफ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट इंट्रॉन, जो इंट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, देन पीसेस ऑफ एक्सॉन, जो एक्सॉन का पीस होता है, एक्सॉन एडेड, और क्या करते हैं, एक्सॉन के पीस को ऐड करते हैं सच जीन स्प्लिट जीन, इसी जीन को क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन, इसी टाइप्स के जीन को क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं,
मतलब कि आप देख रहे हैं कि पहले स्प्लिटिंग हो रही, पहले तोड़ा जा रहा है किसको, जो इंट्रॉन है उसको रिमूव किया जा रहा है, तोड़ के उसको रिमूव किया जा रहा है, उसके बाद एग्जॉन को ऐड किया जा रहा है। इस टाइप के प्रोटीन को क्या कहेंगे, सॉरी इस टाइप के जीन को क्या कहेंगे, स्प्लिट जीन। क्या कहेंगे, स्प्लिट जीन। आप देखते हैं ओवरलैपिंग जीन, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग जीन, ओवरलैपिंग जीन क्या है, व्हेन ए सिंगल बेस ऑर्डर ऑफ जीन यूज्ड है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, डीएनए पे कोडिंग होती है। कहाँ पर, डीएनए सेगमेंट पर जो कोड होता है, जो कोडिंग होती है उसके लिए क्या होते हैं, बेस होते हैं। कुछ पाइरिमिडीन बेस होते हैं और कुछ प्यूरीन बेसिस होते हैं, उन्हीं का सिंथेसिस होता है। तो अगर इसमें कहा क्या जा रहा है, व्हेन ए सिंगल बेस, एक ही बेस ऑर्डर, एक ही बेस ऑर्डर क्या हो, दो, एक ही बेस ऑर्डर हो जीन का, यूज्ड फॉर जीन का जो बेस ऑर्डर, मतलब एक ही बेस ऑर्डर हो जो किसके लिए यूज किया जाए, सिंथेसिस फॉर मोर देन वन प्रोटीन। मतलब कि आपको पता है कि एक बेस ऑर्डर जो होता है, मतलब कि जो एक कोडिंग होती है वो एक प्रोटीन के लिए, सब प्रोटीन के लिए अलग अलग बेस ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक बेस ऑर्डर, एक ही बेस ऑर्डर से क्या हो, एक से ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस टाइप के जीन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जीन। मतलब जीन में जो बेस ऑर्डर का सीक्वेंस होता है, जो बेस ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एक ही बेस ऑर्डर जीन में, एक ही बेस ऑर्डर क्या हो, एक से ज्यादा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उस टाइप के जीन को क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग जीन। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जीन। अब देखते हैं जंपिंग जीन क्या होता है, जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन जीन, जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजन। ये क्या होता है, द जीन विच चेंज देयर पोजीशन या फिर कहिए लोकेशन, लोकेशन ऑन सेम क्रोमोजोम, ऑन सेम क्रोमोजोम और डिफरेंट क्रोमोजोम, डिफरेंट जूम, डिफरेंट क्रोमोजोम कॉल्ड जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजन। उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन। मतलब ऐसे जीन, जंपिंग जीन क्या कहेंगे, जंपिंग जीन क्या होंगे, जो क्या हो, ऐसे जीन जो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो अपने पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले। मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये चेंज होकर, मान लीजिए आपको पता है कि दो सेट होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले आए, या फिर हो सकता है कि ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ वाला जीन कहाँ चला जाए, इस क्रोमोसोम पे चला जाए, सेम क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे, या तो अपने लोकेशन को बदल ले या फिर एक क्रोमो
क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं जीन, ऐसे जीन को क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजन जीन। फिर देखते हैं लिथल जीन। लिथल जीन क्या होते हैं? सम जीन, सम जीन प्रेजेंट प्रेजेंट इन बॉडी सेल व्हेन एक्टिविटी activates in life then may cause death and metabolic disorder called lethal gene। क्या कहेंगे? लिथल जीन। लिथल जीन क्या होंगे? सम लिथल जीन क्या होते हैं? सम जीन प्रेजेंट बॉडी, सम जीन प्रेजेंट इन बॉडी सेल। कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी के सेल में पाए जाते हैं। व्हेन एक्टिवेट्स मतलब कि वो होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो हर टाइम ऑल टाइम क्या हो, एक्टिवेट हो, पर वो हमेशा क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। पर जब वो लाइफ टाइम में कभी एक्टिव हो जाते हैं, मान लीजिए किसी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, लाइफ में किसी भी टाइम, मान लीजिए किसी एक टाइम लाइफ में अगर वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं तो क्या करेंगे, किसको कॉज करते हैं, डेथ को, किसको, डेथ को कॉज करते हैं, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, ऐसे जीन को क्या कहते हैं, लिथल जीन। क्या कहते हैं? लिथल जीन। ये रहे स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन। कुछ स्पेशल टाइप्स के जीन भी पाए जाते हैं। पोजिशन के बेसिस पर जीन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, जीनोम और प्लाज्मोन, पोजिशन के बेसिस पे। और स्पेशल टाइप्स के जीन कौन कौन से होते हैं, ओपेरॉन होते हैं, मल्टीपल जीन होते हैं, पेलियोट्रॉपिक जीन होते हैं, और क्या होता है, स्प्लिट जीन होता है, और जंपिंग जीन होते हैं, और क्या होते हैं, लिथल जीन और ओवरलैपिंग जीन होते हैं। तो ये स्पेशल टाइप्स के जीन।